नर्वस नहीं होना ओके या सो वी डिसाइडेड दैट हम लोग मीट अप रख लेते हैं तो 3 June को शाम 6 PM सैटरडे को 6 PM इन ओल्डम शिमला वी आर अरेंजिंग अ मीटअप एंड वी होप टू सी यू ऑल देयर ये जो है ना ये है इंग्लैंड के इम्तियाज सस्ता अच्छा Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to another video. आज है finally अनिया का exam day and माशाल्लाह हमने इनको formal तैयार कराया है. Espresso का डब्बा रखो ना नीचे. So इनको हमने official कपड़ों में इनको तैयार करा दिया. And you can tell that I'm very nervous. Yeah, she's very nervous. अभी ऐसे बैठी हुई थी. मैंने कहा ना examiner के सामने ऐसे बैठना, ऐसे टा 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 ऐसे देखना. तो हमने बड़ी कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस की है. तो हमने कहा यार निकलने से पहले जरा कॉफी हो रहे तो जरा कॉफी बना लेते. तो घर पे ना मैं अंडे शंडे खा के बहुत ज्यादा पक गया था. सो बेसिकली मैं अंडों को इम्प्रोवाइज करते रहता हूँ जब तक मैं अंडों से पक नहीं जाता. सो पहले मैं खा रहा था स्क्रैम्बल्ड ऑमलेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक कोई 2 साल से. फिर मैंने स्विच कर दिया किसी ऑमलेट में. हाँ नहीं नहीं पहले फैंसी ऑमलेट में सब्जियों वाला. फिर मैं उससे बोर हो गया फिर मैं बॉइल्ड एग्स पे आ गया. सो बेसिकली मैं अंडों से इतना पक गया हूँ कि अभी फिलहाल मुझे अंडे नहीं देखने. लेकिन मैं सोच रहा था यार अंडों जितना प्रोटीन और किस चीज़ में मिलेगा. तो ये एक 25 ग्राम प्रोटीन वाला दही है जिसके लिए मुझे बर्तन की भी जरूरत नहीं है. सो लाइक मैं इसको मुंह लगा के पाउच है बेसिकली. एंड बाकी है पाइनएप्पल ये मैंने टेस्को से लिया था. हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ है. ये कांटा हमें कल टेकआउट से मिला था तो ये साथ लेके जाऊंगा. नाश्ता मैं रास्ते में करूँगा टाइम वेस्ट नहीं करने का. कॉफ़ी खैर अभी पी लेते हैं. यहाँ के बाकी ट्यूलिप्स यार यहाँ के मुझे फूल शूल बड़े प्यारे लगते हैं. रिलेटिवली मुझे काफ़ी लोग बोले थे कि यार आपको 4 pound 3 pound सस्ता लगता है. लेकिन बैक होम यार जो लिलीज है ना वो 1000 रुपये का स्टेम मिलता है. 2000 का होगा. रुके आपको जरा दिखाता हूँ. गंदा कमरा भी नजर आएगा साथ. एक ये फूल है ये ट्यूलिप्स हैं कितने प्यारे लग रहे हैं. और एक ये है ये आपको नजर आ रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं. जल्दी से कॉफी पियो. कितनी देर है हमारे पास? 3 minutes away. आगे फाइनली जुगाड़ का दूसरा नाम अलीम जबलोच. नाश्ता साथ ही ले लिया था कि हम लेट ना तो अभी नाश्ता लिटरली योगर्ट इन अ पाउच ऑफ कोर्स यू टुक इट विद यू. कन्वीनिएंट था घर पे निकालना नहीं पड़ा. तो सो गुड फाइनली यार इंडिया के एग्जाम के लिए हम आ गए हैं. ये रहा यहाँ पे जनरल मेडिकल काउंसिल. इंडिया को जरा ड्रॉप करके आए. हाउ डू यू फील? आई फील ओके. आई थिंक आई एम गोना गो मेरा पासपोर्ट दे दो बस. नर्वस नहीं होना. जितनी देर अनिया अपने एग्जाम दे रही है मैंने सोचा अपने किसी दोस्त से मिल लेता हूँ. लेकिन जो दोस्त है उसको आने में लगेगा घंटा. तो मीन वाइल मैंने सोचा कि हया का घर है यहाँ पे पास ही तो हया के घर चलते हैं. Unbelievable. Oh my God, you're here. All right. Bro, I miss you. Serious. Show me your building. यार है कि जो बिल्डिंग है ना बड़ी फैंसी है. मुझे लगा शायद कॉफी शॉप है अंदर लोग बैठे हुए हैं. तो अंदर इसलिए नहीं आ रहा था. लोगों को कैफे है ये देखें. कैफे वाइब नहीं आ रही ब्रो? जरा थोड़ी सी शर्म आती है मुझे. गाइस नया मुझे बोल रही है कि पहले जिम देख लो ऊपर जाने से पहले ताकि तुम्हारे जिम जाने का दिल करे. बट ऑनेस्टली अभी मैं तैयार हुआ हूँ और मेरा कोई मूड नहीं जिम लगाने का. बट शी इज इंसिस्टिंग कि मैं जिम देखूँ. दिखाओ ये देखो. नाइस यार. अब बताओ करना नहीं
ब्रो चलो ना, मुझे भी करना है ना। हाँ, मैं जिम लगाने थोड़े, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो मुझे साथ में जिमिंग करनी है ना। नहीं चलो हम ऊपर चले। नहीं 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 जिम शिम नहीं जाना, अभी जिम नहीं जाना, आराम से बैठते हैं, चिलिंग करते हैं। तो अभी भी है कि अपार्टमेंट देख के निकले एंड अब हम जा रहे हैं पिकडिली स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे आ रहा है ब्रो। जो लोग मेरे व्लॉग्स बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि ब्रो कौन है। ब्रो बेसिकली है हैदर, इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, वो भी डॉक्टर है यूके में। बेसिकली हार्डमैन स्ट्रीट पे है अनिया के एग्जाम, वहाँ से मैंने बोल्ट ली और मैं हया के पास आया, क्योंकि ट्रैम्स और ट्रेन्स कैसे चलती है मुझे भी फिलहाल पता नहीं है, क्योंकि टेक्निकली बाहर फिरने के लिए मेरा पहला दिन है। और हैदर आ रहे हैं, तो हैदर जा रहा था कौन से वाले, विक्टोरिया पे। हैदर विक्टोरिया पे जा रहा था, लेकिन हैदर को हमने यहाँ पे बुला लिया क्योंकि ये स्टेशन पास है। हमने कहा साथ ही हार्डमैन स्ट्रीट जाएंगे, जब अनिया फारिग हो जाएगी आई जस्ट टेक अ बोल्ट एंड देन आई गो देयर। ये हम आ गए मैनचेस्टर पिकडिली, इधर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हैदर को ढूंढे, किधर है हैदर? ब्रो स्टैचू ये सही जो स्टैचू को बोला था कि यहाँ पे खड़ा हो। ब्रो 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 कैसा है ब्रो? हम कॉफी पीने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है बाकी यार, यहाँ पे तो एवरीथिंग इज एम्प्टी। यार पोलैंड वालों को हम पसंद नहीं आए, उन्होंने बोला कि उनका किचन भी क्लोज हो गया है, खाना सारा खत्म हो गया है। लेकिन 4 बजे कैसे हो सकता है यार खत्म? यहाँ पे मुझे बंद है, यहाँ पे जगह नहीं मिलती है, ये आज ऐसा खाली था वीकडेज पे। अब यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, ये हाउस ऑफ एस केक। व्हाट डू यू वांट? व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? पहले बताओ कॉफी कौन सी चाहिए एंड देन व्हाट बेगल डू यू वांट? आई वांट अमेरिकानो। Americano, okay, and no milk. That's what Americano is. Yeah, I mean like no sugar either. Yeah. Don't tell me what an Americano. Okay. And what do you want to eat? What do you want to? You want the smoked salmon bagel? I don't know. What do you suggest? Smoked salmon is pretty good. Yeah, look what else we've got. The goat's cheese is nice as well. And then the hummus and falafel is pretty good if you're looking for something that's vegan. Yeah. I think I'll have smoked the smoked salmon. Salmon. Yeah. Yeah. Okay. The smoked salmon and is it the avocado one or the cream cheese? Avocado or cream cheese? Avocado. Avocado. Yeah, the goat cheese walnuts, sunburst, tomatoes, fucking honey, please. Excellent, Jee. Now we're waiting for our food and our coffee. इतना बीमार है यार, आया हालत देखो। ये हमारी कॉफी की दुकान से यार। और ये मेरी जो शानदार से जो शानदार लोग क्या क्या लेके आते हैं यार। पत्ता पड़ा हुआ है, नाइस। इस पे भी पत्ता ही बना हुआ है, मेरे भी कुछ नहीं बना हुआ है। दिस इज अ कॉफी कावा, कॉफी कावा। हां आ रहा है, आ रहा है। ये मेरा सैमन सैंडविच, ये इन दोनों का सेम ही है गोट चीज। तुम लोगों ने इतना सिंक्रोनाइज कैसे हो? मैंने तो पहले मंगवाया था बट मुझे बहुत मजा लगा था, हनी वॉलनट्स एंड एवरीथिंग। या हनी वॉलनट्स एंड गोट चीज। गाइस अगर हम एक्सचेंज करना चाहें कर सकते हैं सैमन? हाँ नहीं, आधा 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 आधा। चलो मैंने पहले बोल दिया। चलो चलो, हया की कॉफी ठंडी हो गई है लेकिन इसको टू गो कप में करना है क्योंकि हमें जाना है। कैन आई गेट इट टू गो कप? यस कैन। या थैंक यू। थैंक यू ब्रो। अनिया का एग्जाम एंड होने में तकरीबन कोई घंटा है, मीनवाइल हमने सोचा कि हम जरा एलडी चले जाएं। ऑलडी एलडी में जो समझ नहीं आ रहा कि एलडी एलडी है। सो ये एक याद आता, ये जो है ना ये है इंग्लैंड के इम्तियाज। सस्ता अच्छा, लाइक अगर आप जाते हैं इफ यू गो लाइक टेस्को और मार्क्स एंड स्पेंसर्स और वेटर्स वगैरह, जस्ट अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड। ये सस्ता है। हाँ ये हम टेस्को गए थे, टेस्को वाज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, मेरे ख्याल से हमारा कोई 60 पाउंड मिल बना था। बट हैदर और जो हया है ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग एलडी जाते हैं। मेरे मैं तो नहीं, मैं टेस्को जाता हूँ। आई जस्ट फील लाइक कि जो ऑलडी की प्रोड्यूस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। हया हया बाय बोलो। बाय 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 गाइस, हया जा रही है। Hiya is going. Hiya is leaving. Bye. चलो तुम बोल्ट पे जा रही हो? चलो पास है, ये रही है सामने। चलो ओके बाय हया। अनिया एग्जाम से फारिग हो गई और अनिया की आई है मुझे कॉल कि तुम किधर हो। तो मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, तकरीबन कोई 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि अब एग्जाम से फारिग भी हो गई हैं, मूड भी अच्छा होगा बिकॉज फेयर था ना कि एग्जाम अच्छा होगा। तो मैंने हैदर से पूछा, मैंने कहा यार कोई टेस्को शेस्को कोई दुकान है तो यहाँ से मुझे लेने हैं फूल। मैंने कहा अनिया के लिए फूल लेने। ये हमने फूल ले लिए एंड ये वाले वेरी नाइस। हार्डमैन स्ट्रीट में फाइनली पहुँच गए, हम GMC के ऑफिस के तो सामने ऑलमोस्ट पहुँच गए। बड़ी कोई लंबी वॉक थी यार, मैंने हैदर को बोला यार बहुत लंबी थी, पर हैदर कहते कुछ भी नहीं है, ये तो कोई वॉक है ही नहीं। मैंने कहा फिर तो मेरी एंड्योरेंस बहुत बुरी है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी। और ज़रा अनिया को ढूंढते हैं, अनिया नज़र आ गई। एग्जाम खत्म होने पे देने थे ना, आई मीन एग्जाम पास होने पे देने थे एग्जाम। तो मैंने एग्जाम खत्म होने पे गाइस देखे, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एग्जाम खत्म हो गया। आई फील लाइक मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं अब कोई।
अब हम फारे गए ना, मुझे भूख लग रही है। तुम हया के साथ जो चीजें खा के आए उसमें सारी दिखाई है, मुझे भूख लग रही है यार। उन्होंने कच्ची मछली दे दी थी मुझे। We had smoked salmon and we had goat cheese। अनिया एग्जाम से फारिग हो गई और अब हमें GMC से पिक किया था डॉक्टर असद ने। इनको आपने अनिया के ब्लॉग में तो देखा होगा। नहीं देखा। नहीं देखा। एक ब्लॉग में आए थे मुश्किल से। हंग्री अनिया इज नॉट अ वेरी हैप्पी अनिया एंड इसको जब भूख लगती है ना फिर शार्क बन जाती है और अभी इसको बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। और कितनी भूख लगी तुम्हें? बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मेरे जूते अनोइंग हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? वैपियानो। गाइस हम वैपियानो पहुँच भी गए। What do you wanna have? Pasta. We're gonna have whatever she wants. Because it's her day today. ठीक है। गार्लिक ब्रेड। नान लग रही है। इटालियन गार्लिक ब्रेड ऐसी हो। तक तंदूर नान वाली फीलिंग आ रही है। हमारा पास्ता कहाँ है? अभी एपेटाइजर आया है। हाथ से तोड़ लो। नहीं ना, अभी बात। इतनी मेहनत क्यों कर रही है? मुझे ये लगा था तंदूर का नान, मतलब देखिए लग तो तंदूर नान नहीं है, लेकिन यार मैंने बाइट ली एंड इट इज सो गुड। फीलिंग आ रही है ऐसे लग रहा है जैसे गार्लिक ब्रेड या चीज़ी गार्लिक ब्रेड। मशरूम का भी टेस्ट आ रहा है। मशरूम का भी infused with mushroom and olive oil in a naan. Infused. Very nice, sir. Guys, एक मीम है, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं। कचौए पेपे, I'm drinking the milk cake. और ये कचौए पेपे है हमारा। So this is like parmesan cheese वाला pasta. And ये garlic bread खा के इतना full हो गया हूँ कि अभी हम share करेंगे। Full हो गए हो तुम? Pepper is so nice. Try करते हैं। Yeah, it is actually very nice. Being the gentleman that I am, और सर्दी में थोड़ा सा मर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी बेगम को पहले से प्रिकॉशन नहीं लिया उन्होंने और उनको अब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो ये मैंने अपनी जैकेट इनको दे दी है कि इनको सर्दी ना लगे। हम अभी जाके ले लेंगे। हम अभी जा रहे हैं। इनको चाहिए चप्पल क्योंकि ये अपने इन जूतों में आई हैं और इन जूतों में चल तो सकते नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है, तो इनके लिए चप्पल लेनी है। और हम भी देखेंगे कुछ लेते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। सो हमारा स्टॉप नंबर वन और आई थिंक यही एक स्टॉप है क्योंकि बाकी जो चीज़ें वो सारी बंद हो चुकी होंगी। अभी बज रहे हैं 7, 8 बजे सब बंद। गाइस प्लान चेंज हो गया, जूते देख रहे हैं, अभी चलना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट तो साइज भी सही है। हाँ। Show you on this? ये कलर अच्छा है ना? हाँ, कलर तो अच्छा है। Comfortable हुए मेरे पे। पहले से लेती, बैग में डाल लेती ताकि फिर पहन लेती फारिग होने के बाद। जरा लेडी सेक्शन से होते हुए we're at the men section and कुछ पसंद करते हैं। अभी समझ नहीं आ रही लेकिन एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं। क्या जरा मजाक कर रहा था, मैंने कुछ नहीं लेना था। हम अनिया क्या की चप्पल लेने आए थे। तुम्हें नई जुराबे भी ली? सर्दी लग रही है ना? नहीं, वो मुझे नहीं अच्छे लगते बन जूते जो मोजों के बगैर पहनना। ऐसे देखें टाइटैनिक जरा यहाँ पे फ्लूट पे। मैं काफी टाइम से ले रहा था, ढूंढ रहा था परफेक्ट ओवरसाइज शर्ट्स जो मुझे मिल गई हैं यार यूनिक्लो पे। हाँ, डिड यू गेट ब्लैक? No, I don't think so. So Uniqlo पे मैं आया, Uniqlo पे मुझे मिल गई। अब इसमें सारे कलर्स लेंगे हम सारे। Did you get this? This I don't like. ले लो। No. ले लो. It looks washed out. No, it's great. It's nice. I like it. ये जो तुम पे लग रहा था ना? ये ले लिए ना हमने? हाँ. Okay. Literally the perfect oversized shirts I've ever seen. यार मुझे यहाँ पे checkout system इतना cool लगा है कि ये एक जगह बनी हुई है। ये basically जगह है यहाँ पे कपड़े फेंके ऑटोमेटिकली वहाँ पे बिल जनरेट हो गया। दिस इज सो कूल इन द फ्यूचर। यूनिक्लो से हम फारिग हुए हैं इस तरह से। मैं इतना फैसिनेट हुआ यार, आप वहाँ पे डालें फेंकें। बूट्स खुली है? हमने सोचा था कि पहले जो दुकानें बंद हो जाती हैं, बिकॉज पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा कौन ये है कि यार देखें हम लोग हैं हर चीज़ लेट करने वाले, और हम तो खाने पर भी 10 बजे जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है। बेसिकली 5 बजे यहाँ पर नॉर्मल दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी का टाइम है 5 बजे नॉर्मल दुकानें बंद होते हैं, 8 बजे 8 बजे नॉर्मल दुकानें बंद होती हैं, 8 बजे बूट्स बंद। बता रहे कि बूट्स 10 बजे बंद होता तो बूट्स भी बंद हो गए। तो बेसिकली हमने सोचा था कि यार थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं बाहर, लेकिन यहाँ तो सब बंद है यार। अब वो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? फूड प्लेसेस ओनली। और अगर आपको फूड प्लेसेस ना जानी हो तो बस आप वॉक करें। ट्रैम भी बाई चांस आ गई और हम भी
ट्राम के स्टेशन पे जस्ट इन टाइम पहुंच गए टाइम लेके। अब हम जा रहे हैं वापस, भाग भाग के हमें बस जल्दी जल्दी चलना है। जल्दी रोड, जल्दी रोड, जल्दी आ गई। नहीं मुझे लग रहा है निकल जाएगी। अच्छा 11 मिनट्स में आ जाएगी दूसरी। बस ठीक है फिर कैंसिल। वो तो मेरे पास पाउंड, मेरे पास भी आज ये पकड़ो। वो उस पॉकेट में, सॉरी सॉरी, वो तो एक ही पाउंड है उसमें। डेढ़ पाउंड है अली, तो डेढ़ पाउंड का टिकट नहीं है। कितने का? 2 समथिंग का। देखो बहुत ज्यादा सिक्के थे वैसे बैग में। हमने खाना यहाँ खाया था ना, वे पियानो में। ये अब हमारी फाइनली दूसरी ट्रैम आ गई है। ओके जाना पड़ेगा, कर करो के जा रहे हैं। जगह भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है खड़ी होने की। फोन तुम्हारे पास? हाँ हाँ। गाइस वेरी लक, हमें बैठने की भी जगह मिल गई है, अलग अलग मिली है, फाइनली जगह मिल गई है हमें। साथ साथ वाली मेरे साथ वाली सीट थी वो खाली हो गई, तो हम साथ बैठ गए। हमारा स्टेशन कितनी दूर है अभी? कितनी दूर है? 3-9 स्टेशन से आई थिंक। अभी हम हैं रॉचडेल पे, रॉचडेल वाली ट्रेन पे हैं। यहाँ लिखा होता है यार, इतना कूल सीन है। कुत्ते भी ट्रैम में, कितना प्यारा कुत्ता यार। तो आम यार, मैंने कहा अगर ब्रूनो होता कितना एंजॉय करता। बार बार हर कुत्ते को देख के ना बोलना ब्रूनो बिस्किट होते तो ये करते, ब्रूनो बिस्किट होते तो ये करते। That's all I'm thinking about. जी? I'm hungry. तो वो जॉर्जिया फ्राइड चिकन है। नहीं। जाने? आप बताएं आपको क्या खाना है? देसी खाने का दिल चाह रहा है आज मुझे, weirdly. देसी की ऑप्शन क्या है? There's this cafe near the cinema called Cafe East. Cafe what? Cafe East. चलें? उनके मटन चीज कबाब वो हो। चलें? चलो चलो फिर लेके चलते हैं, पहले तूनियों को ले लें। चलो तूनियों के दरवाजे पे जाते हैं। हाय तूनियों। यार यार क्या है तो, अब किसने फूल दे दिए तुम्हें? मम्मा है। हेलो मॉमी। हेलो आंटी। तुम अपनी तस्वीर क्यों बड़ी लगती हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत? यार क्योंकि उनका वो है ना ब्राउन में जो कुछ दिख नहीं रहा होता। कैसा होता है? हेलो, हाउ वाज इट? मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। चलो वो कैफे ईस्ट चले, देसी खाने का दिल चाह रहा है बड़ा। हाँ कैफे ईस्ट कबाब चीज वाले। ओह यार पहले एग्जाम का बताओ, एग्जाम कैसा हुआ? आई डोंट नो। व्हाट डू यू मीन? मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मतलब कैसा हुआ? हाया की मैंने स्टोरी देखी। हाया तो सबसे बड़े बिताया भी नहीं था, मेरा एग्जाम कैसे हुआ अपनी तरफ से मारा। अच्छा नहीं लग, लोगों को भी ये रहा है कि ना बहुत अच्छा हुआ है। यू नो मैं आई केम आउट, आई लिटरली केम आउट लाइक यू नो आई कुड ब्रीथ। ओके एंड ब्रो वहां गए, ये एक्चुअली आ रही लग रहा है वापस आए तो। लुक एट हाउ अमेजिंग दैट प्लेस इज, डिड यू सी द रेस्टोरेंट एंड द होल वाइब ऑफ द बिल्डिंग? कितनी मजे की। वापस जाएंगे खाना वाना खाने। वो एक्सचेंज स्क्वायर है। एक्सचेंज मुझे जाने नहीं दिया, लॉबी में ही उन्होंने बोल दिया था कि जो भी है उसको बाय बोले। तो तुमने लॉबी में भी नहीं जाने दिया मुझे? उसके एक मिनट बाद तुम्हें ऊपर चली गई थी। जहाँ एग्जाम दिया उतनी प्यारी जगह थी, इतना मजा आया मुझे एग्जाम देने का। मुझे भी, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग गिविंग द एग्जाम दो। मैं तो बड़े बिस्किट खाए बैठ के रेस्ट स्टेशन पे, शॉर्ट ब्रेड अलग, चॉकलेट चिप कुकीज वो नहीं खाए जाए। मैं तो खाया। आई वाज वेरी नाइसली हैंडलिंग माय एंजाइटी बट आई यू विल बी सो प्राउड ऑफ मी। आई सोशलाइज, मैंने दोस्त नहीं बनाया। आई सोशलाइज टू एंड यू नो आई सोशलाइज विद अ सिंगापुरियन गर्ल एंड हर Her name is? That's not weird. Why? Oh, मैंने अपने दोस्तों के नाम नहीं पूछे। Wow! मैंने दोस्त बनाए। नहीं, उस्मान था, दूसरे का नाम नहीं याद। मेरी दोस्त का नाम था मोहम्मद अली एंड उस्मान। And still you forgot? It's literally Muhammad the name Ali of your husband. From Riyadh and Jeddah. So you know, मेरी दोस्त का नाम था? Guess. It was A. It was a Singaporean girl. I was like, are you sure she's A? And then हमारी तो इतनी deep दोस्ती होगी। उस time जब हमने tattoo सिखाए, उस time like ये वाला when I came out of severe depression. And bro, मेरी तो मतलब exam में लोग ने pink panther के sweaters पहने हुए थे और पता नहीं you know brace पता नहीं। मेरे पास तो लोग बहुत formally dressed थे। मेरे में तो मतलब you know pink panther sweaters, एक लड़की ने literally आया you know how bad my hair days can be bad you know that ठीक है, जब मैं you know यूं करके बस बांध लेती हूँ वो curly होते हैं, हाँ stress होते हैं,
एक लड़की लिटरली मेरे बालों में आई हुई बैड हेयर लाइक शी इज जस्ट लाइक पुटिंग अ क्लिप हेयर उसके यहां से निकले हुए हैं कर्ली और फ्रिजी पे आईपीएस मार्क्स करते हैं आपके आई नो एग्जाम बॉय तुमने यहाँ पे एक स्माइली बनाया था मेरे उसमें मैं तो नहा रही थी मेरे दिमाग में भी नहीं था अब वो मेरा ये दिख रहा था आई लिजिट नोटिस्ड एन एग्जामिनर लिटरली स्टेयरिंग डाउन एट माय फीट एंड आई वाज लाइक एंड मैं थोड़ी कॉशियस हो गई था दैट्स एक्चुअली लाइक वेरी स्केरी यू रियलाइज दैट राइट आई नो आई वाज स्केयर्ड आई वाज डेफिनेटली नहीं यार कुछ नहीं हो रहा मे बी इट्स ऑल अबाउट द टैटू हां टैटू तो फिर कैसे करेंगे कर सकते हो टैटू तो नहीं कर सकते उस लड़की के इतने टैटूज थे बहुत क्यूट थी छोटी सी थी बेचारी गाइस मेरे पीछे जो आप ये रोशनी देख रहे हैं सारी ये अभी रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे ये हाल है सो बेसिकली द सन नेवर सेट्स हियर एंड हमें लग रही है भूख तो हम जा रहे हैं खाना खाने हम कहां जा रहे हैं कैफे ईस्ट कैफे ईस्ट तो हम देसी खाने का मूड था तो अनिया ने बोला था कौन से मटन थे चिकन थे कौन थे मटन चीज सीख कबाब तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है जाके देखते हैं कि है कैसे कितना चलना है अनिया हमें पता ही नहीं है कहाँ मैं कोई 15,000 स्टेप्स मेरे हो चुके हैं सुबह से एक तो हैदर ने मुझे इतना ज़्यादा चलाया उसके बाद अनिया के साथ मैं इतना नहीं चला हैदर के साथ मैं मेन चला था एंड 15,000 मेरे स्टेप्स हो चुके हैं एंड नहीं होते थे तुम्हारे मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ अपने महीने के हमारी आर्गुमेंट हो रही थी कि 15,000 स्टेप्स इन लोगों के हो जाते थे स्टार्ट में लेकिन मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ये लोग तो निकलते भी नहीं ये वही जगह है ना लेडी डायना वाली जो कवर तुम भी मान गए थे ठीक है अच्छा यहाँ पे ना एक ट्रिब्यूट टाइप का मेमोरियल टाइप का बना हुआ छोटी सी कवर टाइप का मैं आया हूँ ये वो कहते यार लेडी डायना की ना कबर है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है हाउ इज दैट पॉसिबल ये लोग अपनी तरफ से फुल लगे हुए थे बेवकूफ बनाने में और काफी हद तक कामयाब भी हो गए लेकिन मैं सोच रहा था मैं कहा लेडी डायना की कबर लेडी डायना की कबर ओल्डम में क्या कर रही है मैंने कहा ओल्डम में क्यों है कबर तुम्हें तो फिर तुमने मान नहीं माना मानते हुए मान के ऑलमोस्ट मान लिया ये कन्विंस थी ये देखें अब यहाँ पे डायना ये पड़े Diana, Princess of Wales, Memorial Garden, a dedication by the people of Oldham. Because she said you were worse. I wasn't worse. I wasn't worse. जैसे मैंने Princess of Wales. यार एक बंदा कहीं आया ही नहीं है. एक बंदा आया ही नहीं है. तो आप लोग उसको manipulate कर रहे हो. छोटी थी तब भाई. ये क्या? Excuse me? मैं पहली बार आई. यार ये road के side पे चलते हुए ना ऐसे लग रहा है. वो जो movies नहीं होती थी वो जो zombies आ जाते थे, इंसान सारे मर जाते थे. और रोड पे कोई होता नहीं था कोई जिंदा नहीं होता था आप अकेले हैं तो नहीं आ रही ना मेरी लाइनें चोरी करते हुए लिटरली ऐसे फीलिंग ऐसी आ रही है ये देखिए यार ये भी खाली हां इसने सिर्फ ये भी खाली ये भी खाली एडेड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड देन ही जस्ट यूज्ड दैट स्टफ यार मतलब कोई ना बंदा ना बंदे की जात मतलब मुझे लगता है शाम होते ही ना ये सारे खिसक जाते हैं घर और बोलते हैं भाई हम जाके सो रहे हैं मतलब अच्छी रूटीन है लेकिन यार कोई बंदा तो होना चाहिए नज़र तो कोई आना चाहिए यार ये वही टाउन स्क्वायर है जहाँ हम आते हैं ऐसा लग रहा है जैसे सिविलाइजेशन वाइप ऑफ हो गई है यहाँ से हम रह गए बस ये वही वाला है डोनट वाली जगह हाँ वो डोनट वाला स्टॉल सामने पिंक वाला गाइस अगर आपने मेरे कल वाला व्लॉग देखा है ना तो उसके अंदर आपने देखा होगा लोग चल रहे हैं मतलब बड़ी हलचल है सारी चीज़ें लेकिन यार दुकान बंद होते साथ ही सब गायब कोई भी नहीं यहाँ पे को बड़े याद आ रहे हैं डोनट्स कसम से इतने मजे के डोनट्स थे यार मैं तो अनिया को बोला था अंकल का नंबर ले लो सब बोलो प्लीज थोड़े पैसे ऊपर ले लें शाम के टाइम खोल के ना डोनट शॉप थोड़े से डोनट तो भिजवा दें गाइस ये देखें सेल्फी लेने के लिए कैसे कैसे हैक होते हैं यहाँ पे वेरी नाइस ओके आई एम कमिंग अली यू कम आल्सो ये देखें यार वैसे अच्छी आ रही है अली तुम कैमरा तो हटाओ भूख भी लग रही है और हम कैफे की स्टाफ भी कितना दूर नहीं था वैसे ये रहा कैफे गंदा लगा ऐसे बम्पी बम्पी लगा तूनी तो मैं किसने बोला था तुम चप्पल में आओ पता नहीं निकल आई ना मैं एक दफा हम तूनियों को साथ हाइक पे लेके गए थे कि ये बड़ा एक पुराना किस्सा है और सोचें तूनियों वेजेस में थी वेजेस पहने हुए हैं और तूनियों एस्थमेटिक जब आपको पता है कि इतना बुरा आपका एस्थमा है तो तूनियों कहती है कि नहीं मैं चल लूंगी फिर हम ऑल द वे तूनियों को वापस छोड़ने गए थे घर बिल्कुल खाली है चीज़ सीख कबाब ओके तुम्हें कुछ खाना है स्पेशल टिक्का चरका ऐसा तो कोई गाना है भी नहीं इसमें तो ये कर रहे नहीं वो लड़की क्या बात कर रहा है तो मैं ये कर रहा इंतजार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता तो गाइस आवर फूड्स हियर
हमने म्यूजिक भी बंद कराने के पीछे से वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए दे दे दे। तो क्योंकि वीडियो पे कॉपीराइट ना आए तो म्यूजिक बंद हो गया। मैंने कहा 5 मिनट के लिए, उससे पहले तो मेरा वो जैम आया हुआ था, बॉलीवुड जैम, पुराने पुराने 90s का। खाना ये है जिसके बारे में ये लोग ज़्यादा बात कर रहे थे, और ये गार्लिक ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड यार हमने मैंगो लस्सी ऑर्डर की, लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता होगा कि यूके में ना मैंगो शैंगो अच्छे मिलते नहीं, पाकिस्तानी मैंगोस को मुकाबला नहीं। तो फिर वो जो भी हो सका तो फिर मैंगो लस्सी, मतलब ज़ाहिर है यार जितनी चीज़ें अवेलेबल थी उतनी में से फिर हो गए। और एक बड़ी ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है, ये हमारा हलीम भी फाइनली आ गया, वेरी नाइस गाइस, वी आर सो फैसिनेटेड। ये देखें, ओहो कैफे ईस्ट की गेम देखें यार, they're living in 2030 मेरा नहीं हुआ ये देखिए। तो सारे जो नंबर थे ना खाने के बाद थे प्लेलिस्ट के, मेरे अंदर का जो बचपन का वो बॉलीवुड वाला था ना, अभी मैहूना का गाना बज रहा है, ओ यार मेरे सारे मुझे बचपन याद आ गया। हम लोग अब हम लोग 90s में फिर रहे हैं, 90s में। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा गाइस, तो अब ना सीन ये है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने बाल खोल दिए, प्लीज एक्सक्यूज अगर अभी मेरे बाल थोड़े। अच्छा जरूरी बात करनी थी ना, जरूरी बात बेसिकली हमने ये करनी थी जी, जमा पूंजी से कैमरा लिया था इतने शौक से। खैर जरूरी बात करनी थी आपसे, हम लोग सोच रहे थे गाइस बेसिकली जब मैं आई ना तो मुझे इतने लोग मिले ओल्डम में, और मैं मुझे हर कोई जो है बोलता था कि आपसे प्रॉपर बेड के मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आज लेकिन अब ऑब्वियसली हम लोग मैनचेस्टर में सिर्फ 4 दिन और हैं, जिसमें से एक दिन हमारा पूरा कॉन्सर्ट है, सो बेसिकली 3 दिन हम लोग हैं। तो हम लोग सबसे एक एक करके नहीं मिल सकते, सो वी डिसाइडेड दैट हम लोग मीट अप रख लेते हैं। सो यार मैं पहले ना थोड़ा ना बड़ा स्केप्टिकल था, मैंने कहा यार अगर वो अनाउंस कर दिया और कोई नहीं आया ना फिर ना इज्जत का हो जाएगा फालूदा। तो फिर हमने कहा वो सीन बहुत हो जाएगा बैड, तो करेंगे नहीं, लेकिन मैंने कहा चलें ज़रा लीप ऑफ फेथ लेके देखते हैं और कर लेते आइसक्रीम हो जाएगी, इज्जत की आइसक्रीम। तो गाइस शिमलास पे जो है, शिमलास वाले वर काइंड एनफ टू लेट अस होस्ट आवर मीटअप ओवर शिमलास रेस्टोरेंट इन ओल्डम। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल मैप्स पे शिमलास ओल्डम, तो यू स्पेलिंग बता दो प्लीज, शिमलास SHIMLAS शिमलास। अच्छा ठीक है, एंड ऑब्वियसली आउट ऑफ कर्टेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर द रेस्टोरेंट, अगर आप लोग आए हमसे मिलने के लिए तो यू नो कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर कर दें, जस्ट सो यू नो वी कैन सिट एंड चिल एंड ईट एंड वाइब, वरना वो हमें उठा के बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे, वो बोलेंगे भागो यहां से, जगह लिए जा रहे हैं और कोई खा रहा है, भाग गया से। सो हम लोग भी ऑर्डर करेंगे, आप लोग भी कर लीजिएगा ऑर्डर कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। और दुनिया को जो है बहुत सर्दी लग रही है, अब मैं जम गई, सो बताया तो है नहीं हम लोगों ने, कहा सो 3 जून को शाम 6 बजे, 3 जून दिन क्या बनता है, सैटरडे को 6 PM इन ओल्डम शिमलास वी आर अरेंजिंग अ मीटअप एंड वी होप टू सी यू ऑल देयर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह प्लीज थोड़ी इज्जत रख लीजिएगा गाइस, अगर कोई आ गया तो नहीं आए तो, वैसे देखें हम बहुत ट्रांसपेरेंट लोग हैं, अगर कोई नहीं भी आएगा ना हम आपको फिर भी दिखाएंगे कोई नहीं आया, तो वैसे कोई इज्जत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं यार खैर है।